हेलो गाइस, आज हम बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक की जो विड्थ है वो 3.5 इंच मार्क की है। यहाँ से मैं ये 3 इंच मार्क कर रही हूँ और यहाँ पर आपको 6 इंच और थोड़ा ये नीचे लेकर आपको 10 इंच मार्क करना है। अब यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप भी इसे इस तरह से आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो पैटर्न है ये मैंने कट कर दिया है। अब इसके लिए हम पट्टी निकालेंगे। तो पट्टी निकालने के लिए इस तरह से मैंने कपड़ा ये जो डबल फोल्ड में लिया है उसके ऊपर हमने जो इनिशियल कट किया था पैटर्न वो आपको लेना है और इसकी आउटलाइन आपको मार्क कर देनी है। अब आउटलाइन मार्क करने के बाद आपको ये 2 इंच के एक्स्ट्रा मार्जिन इस पर मार्क कर देनी है। तो ये जो हमने पट्टी निकाली है ये हमारा जो सूट है उसके ऊपर नेक के ऊपर इस तरह से आपको प्लेस करके इसके ऊपर से सिलाई चला देनी है। अब हम नेक का जो अंदर का पोर्शन है वो निकालेंगे। तो उसकी जो लेंथ है वो मैं 5 इंच रखूँगी और यहाँ की जो लेंथ है उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पर 10 इंच है तो उससे ज़्यादा आपको 11 या 11.5 इंच इसकी लेंथ रखनी है। देखिए यहाँ पर नेक की जो विड्थ है वो मैं 4 इंच मार्क कर रही हूँ और यहाँ पर इसकी जो डेप्थ है वो 5 इंच और ये 11.5 इंच। तो इस तरह से आप एक स्क्वायर शेप ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पर कॉर्नर से ये 1 इंच मार्क करके कर्व शेप ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ पर मैंने ये 3 इंच एक्स्ट्रा रख के इस तरह से नीचे से 11 इंच पर आपको ये थोड़ा सा तिरछा या आप स्क्वायर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है मैंने। अब ये जो हमने गला बनाया है इसके लिए भी मैं पट्टी निकालूंगी। तो इस तरह से मैंने एक बार फोल्ड करके ये कपड़ा लिया है, उसके ऊपर आपको ये जो इनिशियल पैटर्न है वो रखना है और 2 इंच की इस तरह से मार्जिन आपको कट कर देनी है। ये जो पट्टी है ये इसके ऊपर आएगी। अब हमने जो 2 इंच की पट्टी निकाली है इसकी मैं इस तरह से तुरपाई कर रही हूँ। ये पट्टी मैं इसके ऊपर ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पर आपको छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, आपको ये सिलाई कट नहीं करनी है। अब हम इसे पलट देंगे, इस तरह से आपको ये पलट देना है। अब हमारा ये जो नीचे का पोर्शन है उसकी भी हम तुरपाई करेंगे। अब हमारे जो गले का अंदर का पोर्शन है इस तरह से आपको ये रेडी मिल जाएगा। यहाँ पर मैं ये फाइनल स्टेजेस पर लगा रही हूँ।
देखिए अब ये बन गया है। अब हमारी जो कुर्ती है उसका हम नेक रेडी कर रहे हैं। तो इस तरह से जो पट्टी निकाली है उसकी बाहर के साइड पर आपको कट्स लगाने हैं। आप इसे सीधा भी कट कर सकते हैं, जैसे हमने हमारा जो अंदर का गले का पोर्शन है वो रेडी किया था उस तरह से, नहीं तो इस तरह से आपको ये एक्स्ट्रा यहाँ पर सिलाई लगानी पड़ेगी। आप डायरेक्टली सीधा ही इसे कट करिए, नहीं तो थोड़ा सा कर्व शेप देके। इस तरह से आपको इसकी पूरी तुरपाई कर देनी है। अब ये जो हमारा मेन गला है इसके ऊपर हम पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मिडल पॉइंट आपको पहले ज्वाइन कर देना है। इसके ऊपर मैं ये पिन अटैच कर रही हूँ ताकि ये बाद में सिलाई लगाते वक्त हिले नहीं। इसी तरह से ये सारे पॉइंट्स पर आपको पिन अटैच कर देनी है। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर ये सिलाई लगा देनी है। इसके ऊपर भी आपको कट्स लगाने हैं। अब इस तरह से आपको ये पलट देना है। यहाँ पर आप ये जो कॉर्नर्स हैं इनको बाहर निकालने के लिए सीजर या कोई भी पॉइंटेड चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये सीजर जो है इसके अंदर डालकर ये कपड़ा बाहर निकाल देना है। देखिए अब ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसके ऊपर से मैं एक बार सिलाई लगा देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए। देखिए हमारे गले का आउटर पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आपको इस तरह से इसे पलट देना है और इसके ऊपर हमने जो पहले गला तैयार किया था उसे पिन से अटैच कर देना है। पिंस लगाने के बाद आपको जो शोल्डर है उनके ऊपर थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर सिलाई लगानी है। देखिए शोल्डर्स मैंने ज्वाइन कर दिए हैं। अब यहाँ से आपको सिलाई लगा देनी है। जो हमने पहले सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही आपको ये सिलाई लगानी है ताकि इसका जो आफ्टर इफेक्ट आए वो अच्छा आए।
देखिए यहाँ पर ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितने अच्छी तरह से अब बन गया है। एक्स्ट्रा थ्रेड आपको कट कर देना है। अब हमारा ये जो गला है बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे एक लाइक दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।